खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां स्कूली छात्रों को मिलने वाले पोषण आहार से फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया है। अकोला के महानगर पालिका स्कूल में बच्चों के खाने के लिए खिचड़ी पकड़ाई गई, जिसमें चूहों के कुछ अंश पकड़ने की जानकारी मिली है। इस खिचड़ी को खाने के बाद स्कूली छात्रों का पेट खराब होने लगा और उल्टियां होने लगी। इसके बाद 10 छात्रों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक छात्रों को स्कूल में दिया जाने वाला पोषाहार देने का कारण हो सकता है। संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। आज मनपा स्कूल 26 अकोला की, इसके अंदर सुबह खिचड़ी के इसमें चूहे के कुछ अंश मिले, जिससे वजह से स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को विष बांधा गया। उसमें से कुछ 10 विद्यार्थी मेन हॉस्पिटल के 22 नंबर वार्ड में अभी उनका इलाज चालू है। इसका मुख्य कारण 3-4 साल पहले महानगर पालिके के कुछ अधिकारी ने खुद के कुछ स्वार्थ के लिए जो खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय जहाँ पे स्कूल है उस वहाँ के बचत गट के माध्यम से किया जाता था, लेकिन 4-5 साल पहले वो कॉन्ट्रैक्ट जोन वाइज किसी का फायदा करने के लिए दिया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट में से 7-8 स्कूल को खिचड़ी बना के दी जाती है, उसमें वो सेवा या बच्चों का खाद्य पदार्थ न देखकर उसमें से आर्थिक या पैसे कमाने का साधन हो रहा है। इसी वजह से यार ये प्रकार हुआ है। बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे मेन हॉस्पिटल के 22 नंबर वार्ड में आज भर्ती है और सभी अच्छे हैं, सुखरूप है। डॉक्टरों ने सही तरीके से इलाज किया है और जो भी उनकी देख रेख है अभी भी चालू है। अभी उन्होंने रात भर उस पेशेंट को एडमिट करने का बोला है, सुबह पेशेंट की परिस्थिति देखकर वो छुट्टी देंगे।